नमस्कार। बर्तमान बछरे आलुर व्यापक फलनेर फले जाते चाषीदेर आर्थिक क्षति ना हय तार जन्य राज्य सरकार अग्रिम आलू संरक्षणेर स्कीम निल, अर्थात चाषीदेर काछ थेके अग्रिम आलू किने नेबे राज्य सरकार। तो कि आलू किनबे, कत परिमाण आलू किना हबे एबं कत टाका मूल्ये आलू केना हबे विस्तारित आलोचना करब आजकेर एई प्रतिबेदने। अवश्यई किन्तु भिडियोटी आपनादेर इनफर्मेटिव हबे, अवश्यई प्रथम थेके शेष पर्यन्त भिडियोटी देखते थाकुन। और चैनले नतून एसे थाकले नित्य नतून आपडेट सबार आगे पेते अवश्यई चैनलटिके किन्तु सबस्क्राइब करे राखबेन एबं पाशे आसा बेल आइकनटी क्लिक करे अल अपशनटी अन करते भुलबेन ना। এবছর राज्ये आलुर अति फलन হয়েছে, फले সঠিক দাম পেতে অসুবিধা হতে পারে চাষীদের। সমস্যায় পড়তে পারেন আলু চাষীরা। চাষীদের যাতে আর্থিক ক্ষতি না হয় তার জন্য রাজ্য সরকার অগ্রিম আলু সংরক্ষণের স্কিম নিল, যা সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই স্কিম অনুযায়ী কেজি প্রতি ৬ টাকা দরে আলু কেনার জন্য হিমঘরগুলোকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে বলে मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय जानान। आलू चाषीरा जाते भविष्यते असुविधार मध्य ना पड़ेन ताई राज्य सरकार हिमघरगुलोर संगे आलोचना शुरू करेछे। माठे जाते आलू पचे ना जाए तार जन्य हिमघरे संरक्षणेर अनुमति देवा होच्छे। 10 लक्ष मेट्रिक टन आलू 6 टाका केजी दरे किने नेवा जाबे, परे ता बाजारे छाड़ा होबे। परवर्तीकाले हिमघरगुलो जदि कोनो समस्याय पड़े तखन सरकार सेटा देखबे। राज्य समवाय बैंक थेके ऋण देवा होबे। शुधु ज्योति आलुर जन्यई एई व्यवस्था किन्तु नेवा होयेछे। हिमघरगुलो जदि एई कारणे कोनो बैंक ऋणेर जन्य चेष्टा करे तखनो सरकार तादेर साहाज्य करबे बोले आलापन बाबू जानान। आलू चाषीदेर आश्वस्त करार जन्यई एई सिद्धान्त सरकारेर। राज्य मंत्रिसभार आलू चाषीदेर पाशे दाঁড়ানোর জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। সুতরাং केवलमात्र ज्योति आलू किन्तु चाषीदेर काछ थेके किने नेवा होबे एबं केवल 10 लक्ष मेट्रिक टन आलू 6 टाका केजी दरे किने नेबे सरकार एबं सेगुलो किन्तु हिमघरे संरक्षण करे राखा होबे। तो सरकारेर एई छोट्ट आपडेटटी आपनादेर केमन लागलो अवश्यई भिडियोर कमेंट बक्से कमेंट करबेन। और भिडियोटी भालो लागले अवश्यई लाइक करे इनफरमेशनटी बेशी बेशी करे बंधुदेरके शेयर करे तादेरकेও इनफरमेशन देওয়ার চেষ্টা করবেন। আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটি ক্লিক করে অল অপশনটি অন করতে ভুলবেন না।